Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सभी ट्रेनी को नमस्कार करता हूँ। ट्रेनी, थोड़ा समय आप लोगों को समय चाहूँगा। इसमें एक भैया ने एक कमेंट किया है, धन्यवाद गुरुजी, मैंने आपके द्वारा बनाई गई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 के कोई भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं था, मेरे पेपर अच्छा हुआ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अजय सैनी, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी सजेशन करना, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। अगर आप 25 में से 23 क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर आप चैनल लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मतलब क्या बताऊँ यार, बेसिक ऑल पर प्रेस कर ले। हम आपको मेट्रो DRDO और लोको पायलट की तैयारी भी करवाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप टेलीग्राम की फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं वो क्वेश्चन लेके आए इस भाई ने मुझे भेजे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन भेजे गए हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी का मॉक टेस्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, वो वीडियो को जरूर देख लें। ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए। अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो इस वीडियो को पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त, जो भी चाहने वाले हो, आपके कोई भी हो यार दोस्त, उनको इस वीडियो को शेयर कर देना, उनसे ही बोल देना कि इस वीडियो को एक बार जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, आखिरी में आपसे 2 क्वेश्चन लूँगा चैलेंज में, उसमें आप कमेंट करके बताना, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अपना नाम और कमेंट करके, जिससे इससे पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा सपोर्ट करना। एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लो। ये आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों का सपोर्ट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और एक बार अगर चाहते हो तो वीडियो को यहीं पर पोस्ट करके इस वीडियो को अपने यार दोस्त, जो भी ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दो फटाक से, ठीक है। अब हम फिर करें क्वेश्चन को शुरुआत, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे शुरुआत। जिसको भी समझ में नहीं आए तो मैं चारों ऑप्शन और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नियम यह बताता है कि प्लास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है, न्यूटन का। और हाँ, साथ में कमेंट करते चलिए, जो भी इसका सही ऑप्शन हो कमेंट कर देना आप लोग। हुक का नियम, जूल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हुक का नियम। जो भी साथी बी ऑप्शन लगा के आए वो एकदम सही है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिबल का अनुपात कौन सा है, भार तथा क्षेत्रफल, भार तथा दिशा, भार तथा व्यास, या भार तथा समय। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा भार तथा क्षेत्रफल, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो भी साथी ए ऑप्शन लगा के साथ में कमेंट करते चलिए कौन सा सही है। आगे हमारा क्वेश्चन, किस तरह से शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, धूल हटाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, नमी ले जाने के लिए, या सूखापन दूर करने के लिए, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन एकदम सही है, गर्मी को दूर करने के लिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर कर दो जिससे काफ़ी लोग जुड़ सकें। स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा मशीन की दक्षता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वही रहती है, या प्रभावित नहीं होती है, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन वही है एग्ज़ाम में पूछे गए, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ती है, क्या हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दिया करो क्वेश्चन जैसे मैं पढ़। किसका उपयोग मशीन भागों में घर्षण को कम करने में किया जाता है, केरोसिन, पेट्रोल, पानी, या स्नेक, बताइए जल्दी से आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन स्नेक, यानी कि दोस्तों 5 का D ऑप्शन हो जाएगा स्नेक, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, मशीनिंग आकलन शीट में कौन सा शामिल है, परिवहन लागत, विज्ञापन लागत, कच्चे माल की लागत, या फिर टैक्स। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा, अगर आपने सी ऑप्शन लगाया कच्चे माल की लागत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, तो πr² या फिर π d² / 4, या फिर 2πr, या फिर πr, बताइए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका।
आखिरी में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उनके हमें कमेंट करके आप लोग आंसर बताना। 7 का जो यह सही ऑप्शन 2πr, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बिंदु, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, या फिर केंद्र, या फिर केंद्र बिंदु। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 का कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है, बी ऑप्शन, तो आपका एकदम सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कौन प्रभावित करता है। तो कौन करता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 का, जल्दी से बताइए। 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर आप लोग भार या द्रव्यमान घनत्व आकार कौन सा लगा रहे जल्दी से बताइए, वो हो जाएगा द्रव्यमान। बी ऑप्शन एकदम इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यकृति की इकाई क्या है, केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन, यूनिट, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से रट लिए होंगे, उम्मीद करूँगा आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए होंगे, ठीक है। और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो को शेयर कर देना, और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ बस, ठीक है। एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 2 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या है। इसमें जो एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान, वहाँ एक्स एक्स की जगह पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन पर यहाँ पर रख देंगे, और रख के क्या करेंगे, वर्क कर देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 135, 81, 54, या 53। तो 81 का, वो सॉरी 11 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि 35 वाले एकदम सही हैं। जिन लोग भी 35 लगा रहे हैं वो एकदम सही है। आगे देखेंगे, आगे हमारे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा यदि एक्स प्लस वाई बराबर क्या 9 है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना 4 है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13, 65, 36, 46। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 9 चौक 36, यानी कि 12 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 12 का सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, ये एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र पूछा था, ए प्लस बी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर ए माइनस या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से, 13 का वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ये वाला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करना था और कुछ नहीं था इसमें, हमें क्या करना है, इसमें एक्स का मान बताना है कितना है, 2 3 4 5, थोड़ा सा जूम कम कर दे रहा हूँ। तो कौन सा होगा बताइए जल्दी से आप लोग। तो कुछ नहीं, इसमें इधर क्या करेंगे हम, ये 4 है ना, ये 4 इधर ले आएंगे तो इसमें घटा देंगे, फिर बचेगा 33, तो 11 3 33, यानी कि 14 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 3, ठीक है, 11 3 33। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा अगला है कि कुल लागत से क्या आशय है, मतलब क्या आशय है ये हमको, कच्चे माल की लागत, मशीनिंग की लागत, कच्चे माल की और मशीनिंग की लागत, या विज्ञापन की लागत। कमेंट करिए इसका सही जल्दी से क्या आंसर है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का, अगर आप लोग लगा रहे हो क्या, कच्चे, एक मिनट, क्या कच्चे माल और मशीनिंग की लागत, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, जितने उस भाई ने भेजे वो तो मैंने करवा दिए, अब मैं आपको 2 कमेंट क्वेश्चन देता हूँ कमेंट के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, किसी गोले का गुरुत्वा केंद्र क्या होता है, केंद्र में होता है, परिधि में, या व्यास पर, या त्रिज्या पर, जो भी होता है 50 नंबर लिख के, ए बी सी जो भी है 50 नंबर लिख के, और आंसर इसका आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक ठोस गोलार्ध का उसके आधार से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है, 4 पाई, वो 4r/5, या 3r/8, या 3
आर अपॉन फोर या आर अपॉन टू, जो भी हो आप लोग हमें कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोगों को बताना ही है, ठीक है। इससे ये पता लग जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की और कैसी आपने तैयारी की, इससे आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और दो, ये 15 और दो 17, दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, अगर हमें आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हम वीडियो पर यहीं करेंगे दी एंड। और हाँ, फिर कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मतलब क्या बताऊँ यार।